हे गाइस, वेलकम वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग व्लॉग्स विद पूजा एंड अजय। सो गाइस, मैं यहाँ पे आई सी हेयर स्टाइल बनवाने, क्यों? क्योंकि मेरे इन लॉज आ रहे हैं दिल्ली मुझे कार्ड देने मैरिज का। तो यहाँ पे मैंने हेयर स्टाइल सोचा था इस बार प्लेट्स या ब्रेड्स टाइप में कुछ बनाऊँ। मैं हमेशा अपने हेयर्स स्ट्रेट, तो मेरे ऑलमोस्ट परमानेंट ही है, तो मैं ओपन रखती हूँ। तो मैंने सोचा था इस बार कर्ल वर्ल ना करके मैं कुछ ब्रेड स्टाइल लूँ। तो आप बताओ कैसा लग रहा है लुक। सो चलो आपके साथ करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। एंड आई एम सो मच एक्साइटेड, पर थोड़ा सा वो भी है क्योंकि अजय नहीं आ रहे थे दिल्ली। बट कोई बात नहीं, ये लास्ट वाला व्लॉग आपने मेरा देखा होगा टैटू का, अगर नहीं देखा तो गो एंड चेकआउट। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंशन किया हुआ है। यहाँ पर गाइस, मैंने सबसे पहले अपना फेस वॉश कर लिया था, उसके बाद लैक्मे का मॉइस्चराइज़र लगाया था और अपनी स्किन को अच्छी तरह प्रैप करा करिए क्योंकि विंटर सीजन है। स्किन जितनी प्रैप होगी उतना ही आपका मेकअप बहुत अच्छा सा ग्लो करेगा। आफ्टर यहाँ पे मैंने स्विस ब्यूटी का इल्यूमिनेटर लिया था, ये आपका हाइलाइटर प्लस प्राइमर दोनों वर्क करता है, बहुत अच्छी से शाइन आती है लुक गाइस। इसके साथ ना मतलब इतनी प्यारी लगती है ना शाइनिंग, मतलब मैं आपको क्या ही बताऊँ। उसके बाद आपने लास्ट टाइम मेरा नहीं देखा तो आप व्लॉग चेकआउट करना गाइस। मैंने लास्ट जो गेट रेडी की थी वो भी चामसी के मिलानो की फाउंडेशन के साथ की थी, तो मैं थोड़ा सा ये ट्राई कर रही हूँ, उसके बाद आपको फुल रिव्यू दूँगी। इसकी कवरेज कैसी है वो भी आपको बताऊँगी। बट फिलहाल जब तक मैंने दो तीन मेकअप इसके साथ ट्राई किया तो मुझे बहुत अच्छी इसकी कवरेज लगी है, फाउंडेशन बहुत अच्छी है। आफ्टर मैंने यहाँ पे स्विस ब्यूटी का कंसीलर लगाया है एंड अपने हाई पॉइंट्स को हाईलाइट कर लिया है विद द हेल्प ऑफ दिस स्विस ब्यूटी कंसीलर। कंसील करने से आपके जो डार्क हाईलाइट्स पॉइंट्स होते हैं ना वो और उभर के आ जाते हैं। सो अच्छी तरह मैंने कंसील कर लिया है ताकि वो आपको ना लगे। उसके बाद मैंने यहाँ पे मियोन का कॉम्पैक्ट लिया है एंड अपने ऑल ओवर फेस को कर लिया है पाउडर से सेट। एंड गाइज, आफ्टर डैट मेरे पास यहाँ कुछ भी नहीं था, तो मेरे पास यहाँ पे ये वाली स्विस ब्यूटी की आई शेडो पैलेट पड़ी थी, तो मैंने सोचा मैं ये वाली लगा लूँ क्योंकि मेरा ऑलमोस्ट सामान जयपुर जा चुका है। आप मेरे बैक टू बैक व्लॉग्स देख रहे हैं, वन मंथ भी नहीं रह गया, 20 to 25 डेज लेफ्ट है मेरी मैरिज को, तो सारा सामान मेरा जा चुका है जयपुर क्योंकि मैं आफ्टर मैरिज शिफ्ट होंगी जयपुर। मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ बट अब मुझे मैरिज करके जयपुर जाना है। सो यहाँ पर मैंने ग्लिटर लिया और अपने आईज पर सिर्फ आईलेट पर गोल्डन ग्लिटर लगा लिया क्योंकि जो आज मैं ड्रेस वियर करने वाली हूँ वो गोल्डन ग्लिटर है, उसमें गोल्डन कलर का उसका वर्क है। आफ्टर है यहाँ पे मैंने व्हाइट काजल लगाया था एंड ब्लशर लगा लिया था विद दिस स्विस ब्यूटी पैलेट, 3-in-1 पैलेट है। मस्कारा लगा लिया था, मस्कारे से अपने आईलैशेस को कर लिया था कल। आफ्टर मैंने यहाँ पे स्विस ब्यूटी का रेड वाला लगाया था लिप लाइनर, बट मुझे वो ना इतना खास नहीं लगा, फिर मैं सोचूंगी आगे चेंज करने की, तो मैंने यहाँ पर लिया था। आफ्टर गाइज हेयर आई एम यूजिंग आईलैशेस। तो गाइज, आईलैशेस का आपको ये ट्रिक बता रही हूँ, आपकी आईलैशेस अगर राउंड होनी है ना तो वो ऐसे हो सकती हैं, तो उसके बाद आपने आईलैशेस इसको ऐसे राउंड करके अपने आईलिड पे आईलैश पे लगानी है और बहुत प्यारी से राउंड अपने आप ही हो जाएगी वो, आप ट्राई करना अगर आपने ये वाला हैक ट्राई नहीं किया, ट्राई इट वंस। आफ्टर डैट गाइज, हेयर आई एम चेंजिंग माई क्लॉथ्स एंड दिस इज़ द आउटफिट ऑफ टूडे जो मैं वियर करने वाली हूँ। मेरे इन लॉज आने वाले हैं तो यहाँ पे मैंने वेलवेट पहना बिकॉज दिल्ली में बहुत ठंड है, तो मैं वेलवेट वियर करना प्रेफर करती हूँ, मुझे बहुत प्यारा लग रहा था। लास्ट टाइम जो वेलवेट पहना था वो मैंने शरारा टाइप पहना था, इस टाइम मैंने जो पहना वो बेल बॉटम टाइप पहना है और इस पर ब्रॉड ब्रेड अच्छी लग रही थी। अभी मैं इसके अंदर ना मिनी मिनी से क्लचेस लगाऊंगी, फिर आपको फुल लुक भी दिखाऊंगी कैसा लग रहा है। आफ्टर डैट गाइज, इसकी मैंने हैंगिंग थी पीछे डोरी वो उसको टाई कर लिया था। एंड आप फुल लुक बताना आपको कैसा लग रहा है। आफ्टर दैट हेयर आई एम वेयरिंग ज़ारा स्लीपर, बहुत प्यारी स्लीपर है ये वाली, मैं लाई थी कृष्ण नगर मार्केट में जो ज़ारा का है वहाँ से लाई थी, बहुत प्यारी स्लीपर्स लग रही थी। सो मेरे को इसके साथ ये मैच कर रही थी। आफ्टर गाइज, मैंने ये बिट्स लाई थी तो मैंने सोचा था चलो आगे दो दो तरफ लगा लूँ, तो मैं वही लगा रही थी और टू इच साइड लेफ्ट साइड लगाए थे, टू राइट साइड और एक बच गया था, मैंने सोचा चलो सेंटर में लगा लेती हूँ, बट इट्स जस्ट किडिंग, वो तो मजाक था। उसके बाद मैंने वो हटा के उसको बिल्कुल बैक पे लगा लिया था, थोड़ा सा लुक अच्छा लगे। उसके बाद मैंने यहाँ पे हाइलाइटर लगा लिया था भर भर के क्योंकि मुझे हाइलाइटर बहुत पसंद है, किस किस को पसंद है बताना। इसके दुपट्टा गाइस मुझे समझ नहीं आता क्योंकि स्टॉल थी लास्ट टाइम, मैंने खुल मतलब ओपन वाला दुपट्टा लिया था, तो इस बार मेरा कुछ ऐसा लेने का मन नहीं था, तो मैंने सोचा चलो इसको अच्छी तरह फोल्ड करके फिर मैं इसको कैरी करूं। तो आप बताना कैसा लग रहा था, और कोई दुपट्टे का स्टाइल समझ ही नहीं आ रहा था शॉल के साथ, तो क्योंकि ये थोड़ा सा हैवी हो जाता है शॉल वर्क में, तो फिर मैंने इसको बस ऐसे करके और ब्रोश से सेट कर लिया था।
एंड चलो अब वियर करते हैं फटाफट से वॉच जो बहुत ज़रूरी होती है। मैं इस समय कुछ भी फालतू वियर नहीं करूँगी, ना फालतू रिंग्स ना कुछ। आफ्टर गाइज मैंने ये रहा मेरा फुल लुक, आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको मेरे लुक्स, मेरी वीडियोज़, मेरे व्लॉग्स, मेरे गेट रेडी विद मी पसंद आता है, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। दिस इज़ माई फुल लुक, आपको कैसा लग रहा है? ये कलर बड़ा प्यारा लग रहा था, पैरेट ग्रीन कलर था गाइज। और अब इसके बाद नेक्स्ट व्लॉग आपको बहुत इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगा जब मेरे इन लॉज आएंगे कार्ड देने। सो कीप ऑन वॉचिंग माई व्लॉग्स टिल द एंड। बाय बाय।